नमस्कार दोस्तों स्वागत है सबका एग्जामपुर चैनल पर और भाई शुरुआत करते हैं आज आप सभी के सामने उत्तराखंड की जी हाँ उत्तराखंड जीके के बारे में जहां पर हम बात करेंगे पहाड़ की पाठशाला इंतजार था आप सभी को वो इंतजार की घड़ी अब आ चुकी है क्योंकि यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड के आज हम बात करेंगे राज्य के परिचय के बारे में जी हाँ राज्य का परिचय क्या है इन सब के बारे में आप लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे तो भाई फटाफट फड़ जितने जल्दी हो सकता है सेशन को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो यहां पर क्योंकि यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं और अपने पास पेन कॉपी जरूर रखिए क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसके बारे में आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इन सब के बारे में आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे कैसे तैयारी करेंगे तो आज उसका शुभारंभ हो चुका है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राज्य के बारे में जी हाँ हम बात करेंगे राज्य के बारे में कि हमारा राज्य उत्तराखंड राज्य क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे कैसे बना कब बना और उससे जुड़ी तमाम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो बहुत उपयोगी है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछे जाएंगे इसीलिए तो फटाफट जितने भी लोग हैं सभी को गुड आफ्टरनून है यहां पर भाई फटाफट फड़ सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करो क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए तो जो जुड़ गए हैं यहाँ पर चलो भाई शुरुआत करते हैं उत्तराखंड जी के जी हाँ पहला उत्तराखंड जी के मैप आपके सामने है राज्य का पूरा नक्शा सामने है आपका क्या है कैसा है ये आप भली भांति परिचित हैं अपने राज्य के मैप से लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात होगी उत्तराखंड के बारे में तो भाई फटाफट फड़ सेशन को शेयर करो जहाँ से लोगों को जोड़ो आप जोड़ोगे उतना बेनिफिट मेरे को मिलेगा चलो चलते हैं मेरे भाई चलते हैं आगे देखो सबसे पहले सबसे पहले अगर बात करते हैं राज्य के बारे में तो भाई राज्य आपका बना कब था 9 नवंबर 2000। ये एक डेट है एग्जाम में पूछा जाता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेट क्या है देखिए आपसे सिर्फ साल नहीं पूछेगा आपसे तारीख भी पूछे क्योंकि इसी महीने में दो राज्य और बने थे छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड तो महीना सेम है साल सेम है तारीख नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई तो 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 में राज्य की स्थापना की गई थी क्लियर है यहां पे सभी लोगों को अब बात करते हैं राजधानी क्या है हम सब जानते हैं देहरादून है राज्य की आबादी कितनी है 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से राज्य की आबादी कितनी है मेरे भाई तो आबादी है एक करोड़ छियासी हजार दो सौ बानवे ये एक दो हजार ग्यारह का जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर बाकी जनगणना के बारे में हम आपसे क्लास में चर्चा करते रहेंगे तो सब लोग जुड़े हुए हैं यहां पर चलो आगे चलते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है मतलब जो उत्तराखंड राज्य है क्षेत्रफल कितना है त्रेपन हजार चार सौ तेरासी देखिए हम क्लास में हर एक टॉपिक पर बात करेंगे लेकिन अभी हम जो बात करने चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि राज्य के बारे में थोड़ा सा हमें परिचय होना चाहिए आखिर राज्य है क्या जब तक हम उसके परिचय नहीं करेंगे हम उस राज्य के बारे में जानेंगे कैसे तो अभी हम जो बात कर रहे हैं जो फर्स्ट क्लास है वो एक परिचय से परिचय से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ठीक है आगे हम बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा जिले कितने हैं तेरह भाई कितने जिले हैं तेरह जिले हैं उत्तराखंड के अंदर तो उत्तराखंड के अंदर अगर तेरह जिले हैं तो मुझे ये बताओ गढ़वाल के पास कितने जिले हैं ठीक है गढ़वाल के पास कितने जिले हैं ठीक है थीके? और कुमायूं में कितने हैं फटाफट मुझे बताओ कि अगर तेरह जिले हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर तेरह जिले पूरे उत्तराखंड के अंदर हैं तो उसमें गढ़वाल में कितने हैं और कुमायूं में कितने है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो सभी लोग फटाफट सभी लोग कमेंट करो कि क्या होगा इसका सही आंसर गढ़वाल में कितने हैं और कुमायूं में कितने जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितने राज्य कितने जिले हैं आपके गढ़वाल में कितने आते हैं कुमायूं में कितने आते हैं जल्दी बताओ फटाफट फड़। सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल सही कहा सात सात जो जिले हैं वो गढ़वाल में आते हैं और छह जो हैं वो कुमायूं में आते हैं यहीं के कंफ्यूजन हम हो जाते हैं और इसीलिए दो मंडल में बांटा गया है गढ़वाल और कुमायूं और हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां पर है हाईकोर्ट कहां पर है नैनीताल में अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताओ फटाफट -फड़ कि भाई नैनीताल में अगर उत्तराखंड का हाई कोर्ट है अगर नैनीताल में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट आया कब था जल्दी बताओ नैनीताल हाई कोर्ट बना कब था उत्तराखंड का था। अगर हाई कोर्ट नैनीताल है तो नैनीताल हाई कोर्ट किस साल किस सन उसको बनाया गया था ठीक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको कमेंट करना बहुत बढ़िया जिन्होंने यहां पर सात और छह बताया है यहां पर सबके कमेंट यहां पर आ चुके हैं अगले आगे चलते हैं देखिए अब बात करते हैं आपके राज्य के बारे में अब देखिए ये तो था इसके बारे चिन। चिन चिन में राज्य चिन्ह भैया राज्य चिन्ह इंपॉर्टेंट है राज्य चिन्ह में क्वेश्चन पूछा गया था यूके ट्रिपल एस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिन्ह है ये चिन्ह है इस चिन्ह में जो पहाड़ कितने पहाड़ बने हुए हैं आपको ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं ये जो उत्तराखंड राज्य है इस राज्य में कितने चिन्ह हैं आपके ये आपको बताना है तो भाई देखो तीन पर्वत हैं इस चिन्ह में कितने पर्वत हैं? तीन पर्वत हैं। नोट कर लो ये जो चिन्ह बना हुआ है उसमें कितने पर्वत हैं? तीन पर्वत हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें जो नदी बहाव दिखाया गया है वो कौन सी नदी है कौन सी नदी है मेरे भाई जी हाँ कौन सी नदी दिखा रही है तो यहां पर गंगा नदी गंगा की नदी की लहरें दिखाई जा रही हैं नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है ये उत्तराखंड राज्य का एक सिंबल है तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से सुनना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं कि देखो भाई सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं राज्य के बारे में तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राज्य का चिन्ह है जिसको हम क्या बोलेंगे स्टेट सिंबल बोलेंगे उसमें कितने पर्वत दिखाई देते हैं तो तीन पर्वत हैं तीन पर्वत हैं नोट कर लेना उसको तीन पर्वत आपको दिखाई देंगे जिसके अंतर्गत जो नदी हुआ बहावे कौन सी नदी है गंगा नदी आपको दिखने को मिलेगी क्लियर है यहाँ पे आगे चलते हैं आगे बात करते हैं यहां पे इसके बाद राज राज्य पशु देखिए एक होता है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पशु हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है मेरे भाई बहुत बढ़िया यहां पे हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा बाघ ठीक है हम सब जानते हैं राष्ट्रीय पशु क्या हमारा बाघ है इसी तरीके से जो राज्य पशु है वो क्या है वो है हमारा यहां पर कस्तूरी मृग कस्तूरी मृग है हमारा जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मक्स डियर के नाम से कहा जाता है ये अब जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं जो लोग प्रयोगशाला लो तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनसे क्वेश्चन पूछा जाए है व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कस्तूरी मतलब जो वैज्ञानिक नाम है कस्तूरी मर्ग का वो क्या है साइंटिफिक नेम क्या है मक्स डियर का तो मोस्क गैस्टर इज अ नेम ऑफ द ये नाम है किसका आपका मस्ट डियर के नाम से कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको हिमालय मस्ट डियर के नाम से भी इसको आपका रखा गया है हिमालय मस्ट डियर के नाम से भी इसको यहां पर रखा गया है एक से रुकेगा चलिए तो जैसे मैंने आपसे कहा ये कहा मिलेंगे आपको 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे इनका रंग क्या होता है काले और पीले धब्बे इस पर आपको मिलेंगे देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इसलिए कमेंट करते रहिए समझ में आ रहा तो बताइए जरूर तो ये आपका क्वेश्चन है जिसके बारे बात कर रहे हैं ठीक है 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा दिस इज अंथ ये आपके सामने गिवेन है यहां पर जिसके बारे में बात करें अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट जो है आइए बात करते हैं अब बात आती है राज्य के पक्षी पक्षी क्या है जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी क्या हमारा मोर है ऐसी राजकीय पक्षी क्या है हमारा वो क्या है मोनाल नोट कर लीजिएगा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है मोनाल है मोनाल एक चिड़िया है आप सब जानते हैं और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी फ्री में मिलेगी आपको क्लासेस चिंता होने की बात नहीं है ठीक है और सेशन को शेयर करते रहो मेरे भाई ठीक है चलो उत्तराखंड राज्य का पशी तेईस सौ से पांच हजार पांच हजार मीटर की ऊंचाई में गया घने वन में पाया जाता है इसका रंग नीला होता है और ये मोनाल रंग को पाया जाता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है लोस्फोरस इंपेंजस नोट करते रहो मेरे भाई नोट करते रहो इंपॉर्टेंट है इसी बात कर रहे हैं ठीक है स्थानीय भाषा में इसको मनियाल या मोनाल भी कहा जाता है तो ये भाषा है स्थानीय भाषा में से क्या बोलते हैं मनियाल या मोनाल तो मोनाल एक पक्षी है जिसके बारे में हमने बात की घने जंगलों में ये पक्षी आपका पाया जाता है उत्तराखंड के घने जंगलों में क्लियर है यहां पे चलो आगे बात भैया शेयर करो यहां पे शेयर करो बहुत जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना बेनिफिट आप सभी लोगों का होगा यहाँ पे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है देखो राज्य पुष्प राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है लेकिन राज्य पुष्प क्या है ब्रह्म कमल आपको याद होगा ब्रह्म कमल के बारे में अभी हाल में 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पे प्रधानमंत्री द्वारा जो टोपी पहनी गई थी उसमें जो निशान जो था वो ब्रह्म कमल के नाम से सुशोभित था ठीक है तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्म कमल तो हमारा आप नोट करते आ रहे हैं सबके सब भाई सेशन को शेयर भी करते रहो साथ शेयर करते रहो सा मजेदार सेशन है इसलिए बात कर रहे हैं राज्य पशु भ्रम कमल इसका साइंटिफिक नेम क्या है सोसेरिया ओवल ओवल ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये आपको कमल कहां मिलेंगे छत्तीस सौ से पैतालीस सौ मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं कॉल पदम के नाम से कहा जाता है कॉल पदम तो अगर क्वेश्चन आता है कि भैया कॉल पदम किस फूल को कहा गया है तो आपका सही आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा ब्रह्म कमल इसका सही आंसर होगा देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना ठीक है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपसे पूछे जाएंगे इसीलिए मैं आपको नोट करा रहा हूं कॉपी पेन में नोट करते रहो कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं सिर्फ हमें सिर्फ ये याद नहीं करना है कि भैया पशु पुष्प याद कर लो पशु याद कर लो या फिर हम आज का जो हमारा चिन्ह है उसे याद कर लो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आप उत्तराखंड के पेपरों में देख चुके हैं खासकर वीडियो के अंदर वो गहराई में जा रहा है और जब गहराई में जाता है तो आपकी तैयारी भी गहराई वाली होनी चाहिए इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं इस पर ध्यान दो अगर क्वेश्चन आता है कि कौल पदम किस फूल को कहा जाता है पदम मतम जानते हैं कमल का है लेकिन इसको बोलते हैं ब्रह्म कमल के नाम से कहा जाता है भैया समझ में आ रहा है यहां पे जो फटाफट -फड़ शेयर करो यहां पे सेशन को चलो ठीक है आगे देखते हैं आगे है इस रा, राज्य वर्ष राज्य वृष कौन सा मतलब पेड़ हमारा कौन सा है देखो उसको बोलते बुरांश बुरांश आपका राज्य वृक्ष है ठीक है ध्यान से सुनना राज्य वृक्ष क्या है बुरांश अगर देखो जो तैयारी कर रहे हैं ना उत्तराखंड के जो भी समस्त पद आपके आए चाहे वो एस हो चाहे वो कांस्टेबल हो प्रयोगशाला सहायक हो लेखपाल हो उन सबके लिए सुनहरा मौका है ये इसलिए एग्जामपुर क्या कर रहा है आपको फ्री क्लास दे रहा है फ्री क्लास इसलिए दे रहा है ताकि जो बच्चा जो बच्चा एक तरीके से उसको सामर्थ्य की जरूरत है उसको हम तैयारी कैसे कराएं ये सभी चीजें आपको दिया जा रहा है ठीक है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ इस चैनल पर आपको चीजें मिलती रहेंगी तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि भैया ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहां पर शेयर करिए करें। शेयर करेंगे फायदा आपका भी होगा और आपके दोस्तों का भी होगा ठीक है मेरे भाई राज्य वृष क्या है बुरांश बुरांश है राज्य वृश है इसका साइंटिफिक नेम क्या है रोडेडोन आरबीएम इसका साइंटिफिक नेम है इसका 11000 फुट की ऊंचाई पे पाया जाता है इसके फूल कैसे होते हैं लाल रंग के होते हैं बुरांश काफी ऊंचाई पे पाया जाता है आपका तो ये आपको कहा मिलेंगे काफी ऊंचाई क्षेत्र पर आपको ये पेड़ मिलेंगे इसका नाम क्या है बुरांश है ठीक है चलो मेरे भाई आगे चलते हैं आगे चलते हैं फटाफट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है राज्य लोक कला ये राज्य लोक कला ये देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा अब आपको ये कहीं नहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा कि राज्य लोक कला क्या है हमेशा हम पशु हो गया पक्षी हो गया खत्म इसके अलावा भी है इसके अलावा भी है मेरे भाई इसके अलावा भी और भी चीजें हैं क्या कह रहा है एपण एपण है इसका आप जानते हैं कुमायूं में बड़ा फेमस है महिलाएं खासकर दिवाली पर जब लक्ष्मी पूजन होता है पूजन होता है तो इसका इसको बनाया जाता है इंपॉर्टेंट है इससे क्या बोलते हैं राज्य लोक कला एक क्वेश्चन बना नहीं बना क्वेश्चन बना नहीं बना क्वेश्चन बन गया तो बताओ फटाफट एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा बन गया है जहां पर भारतीय हिमालय कुमायूं में खासकर कुमायूं में आपको ये चीजें जानने को मिलेगी जिसमें आटे से बने सफेद इन के बारे में ठीक है तो फटाफट इस चीज को शेयर करो मेरे भाई फटाफट शेयर करो आप जानते हैं ये जो कला है एपन कला है दिवाली पर आपको खास कर से मिलेगी बिल्कुल रहेगी क्लास का टाइमिंग दो पीएम डेली दो पीएम आपको क्लास मिलेगी उत्तराखंड जीके के क्लास ठीक है तो भैया शेयर करते रहो आप लोग ठीक है शेयर करते रहो चलो मेरे भाई आगे चलते हैं राज्य उत्सव यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भैया राज्य उत्सव क्या है ठीक है उत्सव देखिए हम जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर कई तरह के उत्सव बनाए जाते हैं ठीक है हर उत्सव उत्तरायण सब जानते हैं और भी कई सारे उत्सव हैं लेकिन राज्य उत्सव क्या है हमारा यहाँ पर हरेला हरेला है राज्य उत्सव तो हरेला है हमारा राज्य उत्सव है यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं हरेला का अर्थ होता है हरे रंग का दिन हरे रंग का दिन कहा जाता है भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है श्रावण मास में और हिंदू कैलेंडर पांचवा महीना मनाया जाता है उत्तराखंड के विशेष लोग कुमायूं के लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं जो हरियाली का प्रतीक माना गया है तो अब हरेला मनाते होंगे आप सब जानते हैं कि सावन के दिनों में जब सावन महीना आता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की यहाँ पर पूजा की जाती है जिसके बारे में ये हरेला उत्सव का मनाया जाता है ठीक है बाकी जो चीजें हैं हम हम आपको बताते रहेंगे चीजों के बारे में जो जुड़ी हुई हुई है यहाँ पे ठीक है अगली बात करते हैं नेक्स्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अब पूछा गया है ध्यान से सुनना ठीक है इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं उत्तरांचल नाम है उत्तराखंड उत्तराखंड का पहला नाम क्या था उत्तरांचल था है ना भाई उत्तरांचल था देव उत्तरांचल था जब नाम जब ये बनाया गया था तब तो उसका नाम क्या था उत्तरांचल था बाद में इसका नाम उत्तराखंड किया गया था मेरा क्वेश्चन है कि भैया उत्तरांचल को उत्तराखंड कब बनाया गया था जल्दी बताओ उत्तरांचल को उत्तराखंड कब बनाया गया था जी सचिन क्लास का टाइमिंग यही रहेगा मेरे भाई दो पीएम दो पीएम की क्लास रहेगी उत्तराखंड जीके की क्लास आपको मिलेगी दो पीएम पर दो बजे ध्यान से सुनना दो बजे खाना वाना खा के आ जाना ठीक है चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना उत्तराखंड का समान परिचय है उत्तराखंड का पूरा नाम क्या था उत्तरांचल था राज्य गठन के लिए लोकसभा ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे वीडियो के एग्जाम में अगर उठा लेना पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी का जो तुम्हारा पेपर हुआ था चार पांच दिसंबर में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य गठन के लिए लोकसभा से ध्यान से सुनना लोकसभा से बहुत बढ़िया यहां पर अखिलेश बहुत बढ़िया यहां पर जी हां लोकसभा मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई लोकसभा से यह पारित कब किया कि पूछा गया सिर्फ तुम्हें नौ नवंबर 2000 याद नहीं करना है तुम्हें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति दोनों चीजें तुमको याद करनी है तुम्हें सब कुछ याद करना है राज्य के गठन के लिए जब तुमको जब तुमको पढ़ाया जाएगा राज्य व्यवस्था कि राज्य कैसे बनते हैं उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि राज्य बनाना राज्य को नए रा, एक राज्य से दो राज्य में बांटना तो उन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा देखो ये उत्तराखंड में आप सब जानते हो कि उत्तराखंड जीके जो है वो चालीस नंबर का आता है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है तो भैया कब आया था एक अगस्त दो में अगला नोट करो राज्य गठन का राज्यसभा से कब पारित हुआ था दस अगस्त हो सकता है अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ये बताओ लेखपाल के पेपर में राज्यसभा से पारित कब हुआ था तो दस अगस्त राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति कौन थे एक क्वेश्चन और बन गया एक क्वेश्चन आपका और बन गया और क्वेश्चन क्या बन गया कि भैया राज्यसभा ठीक है राज्यसभा से जो पास किया गया था 10 अगस्त 2000 ठीक है लेकिन राष्ट्रपति कौन थे उस समय लिस्ट आ जाएगी कि भैया बताओ कौन थे प्रतिभा पाटिल थी एपीजे अब्दुल कलाम थे के आर नारायण थे या शंकर दयाल शर्मा थे जब उस जिन्होंने उत्तरा उत्तराखंड मतलब सब उत्तरांचल नाम था उसको विधेयक में मंजूरी दी थी तो कौन थे के आर नारायण नोट कर लो कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई कॉपी में इससे जबरदस्त जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी एग्जाम्पुल चैनल आपको यहां पर देगा तो भाई फटाफट ध्यान रख सुनो उसके बाद 28 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति द्वारा उसको जारी कर दिया गया इसके लिए गजेट गजट जो होता है उसको पारित कर दिया गया इसके बाद राज्य कब बना 9 नवंबर 2000 एक क्वेश्चन और जब ये राज्य बना तो भारत की जो राज्य की सूची थी उसमें कौन से नंबर का राज्य था मेरे भाई कौन से नंबर का राज्य था शेयर करो मेरे भाई शेयर करो बहुत जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करो इतने बेहतरीन जानकारी कौन सा राज्य था मेरे भाई सत्ताईसवा तो जब राज्य की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई राज्य की बात कर रहे हैं तारी नोट कर लो एक अगस्त लोकसभा लोकसभा एक अगस्त दस अगस्त राज्यसभा राष्ट्रपति अट्ठाईस अगस्त राष्ट्रपति कौन थे के आर नारायण इसके अलावा राज्य कब बना नौ नवंबर और जब राज्य सूची में राज्य का स्थान आया तो सत्ताइसवा नंबर था सत्ताईसवा नंबर था इन्हें नोट कर लो भैया फटाफट फड़। अरे शेयर करो सबको शेयर करो जो तुम्हारे व्हाट्सअप फेसबुक जहां जो, जो चलाते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पर शेयर करो इस क्लास को क्योंकि ये क्लास अति महत्वपूर्ण है शुभारंभ है ना शुभारंभ ऐसे ही होगा हर एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा एक ही तार को जोड़ा जाएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए क्लियर हो गया डाउट यहां पे अगर डाउट क्लियर हो गया यहां पे सभी लोग यहां पे ठीक है डाउट क्लियर हो गया यहां पे चलो मेरे भाई आगे चलते हैं ये इंग्लिश में भी मिलेगा आपको हिंदी में मिलेगा दोनों डेटा में तो अगर जो सीबीएसई आईसीएससी के बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि सर ये इंग्लिश में नहीं है तो डेटा इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको सारा डेटा देखिए डेटा इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है तो जो लोग बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है दोनों लैंग्वेज में आपको डेटा यहां पर मिलेगा ठीक है क्लियर है यहां पे चलो नेक्स्ट राज्य का क्षेत्रफल देखो अब आपके सामने क्या ना मैंने नक्शा लगा दिया है देखो जब है, हमारे मानचित्र होता है ना फोटो जिसको बोलते फोटो हमारे दिमाग में बस जाता है इसीलिए मैंने आपके सामने क्या लगाया मानचित्र लगाया लगाया मानचित्र समझते हो ना आपके सामने एक विजन लग देना कि भैया ये है राज्य आपके सामने है ठीक है अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर चाइना है ठीक है ये नेपाल है ठीक है आप जानते हो ये नेपाल पिथौरागढ़ चंपावत नेपाल के एरिया है इधर उत्तर प्रदेश है और इधर हमारा क्या है हिमाचल है ये बॉर्डर से हमारे दो अंतरराष्ट्रीय और दो राज्य बॉर्डर ये दो राज्य बॉर्डर हैं जो हमारे उत्तराखंड राज्य से शेयर करते हैं ये नोट कर लेना ठीक है ये नोट कर लेना यहां पर ठीक है ये नोट कर लेना मेरे भाई देखो हिमाचल चाइना नेपाल और उत्तर प्रदेश दिख रहा है राज्य में अब ऐसे देखो बनाओगे ना तो बनाओ समझ में आएगा ऐसे बनाओगे समझ में तुमको आएगा कि राज्य के हिसाब से अब क्या कह रहा है समझना राज्य का क्षेत्रफल त्रेपन हजार तिरासी वर्ग किलोमीटर में ये फैला गया है ये जो फैला हुआ ना पूरा राज्य तुम्हारा तिरपन हजार वर्ग किलोमीटर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई ये बताओ भारत में इसका कितना परसेंट आता है मतलब देश के नक्शे में उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई ठीक है ठीक है चलो जी शिव ओके शिव शोनी ब्लॉक चलिए तो भैया 1.63 नोट कर लो देखो ऐसी चीजें तभी मिलेंगी जब आपको समझोगे कॉपी पेन उठा लो नोट कर लो इससे बेहतरीन जानकारी कहीं नहीं मिलेगी इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को उत्सुकता हो तो मेरे भाई क्या कह रहा है ध्यान से सुनना राज्य का क्षेत्रफल है तिरपन वर्ग किलोमीटर इतने पूरा फैला हुआ है है ना ये पूरा हमारा है ठीक है फिर कह रहा है कि भारत में ध्यान से सुनना भारत ठीक है भारत में उत्तराखंड राज्य का कितना परसेंट आता है एक दशमलव तिरसठ सिक्स परसेंट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया चलो धीरज पाल भैया देखो सारी क्लासेस आपकी होंगी घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है सारी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी ठीक है सब होगा अभी क्या शुभारंभ है आप अपने उत्तराखंड के हर जिले उसको पहुंचाओ अपने गांव शहर जो तैयारी करें पहुंचाओ उसको आपके लिए पूरी टीम तैयार तो अभी शुभारंभ कर चुके हैं सब पढ़ा जाएगा हिंदी विंदी सब होगा आपका ठीक है अगला देखो राज्य का कुल पर्वतीय भाग देखो अब आ जाए पर्वतीय भाग मतलब देखिए आप जानते हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो हिली एरिया है मतलब पर्वतीय क्षेत्र है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं गुलशन भाई अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जब झारखंड आएगा तो झारखंड पढ़ाएंगे अभी जो राज्य चल रहा है मेरे भाई उसके राज्य के बारे में बात कर रहे हैं आप सभी लोगों से भैया शेयर करते रहो शेयर करते रहो शेयर करोगे तो हमें और बल मिलेगा आपकी चीजों को समझाने के लिए ठीक है क्या कह रहा है मेरे भाई पर्वतीय भाग कितना है छियालीस हजार पैंतीस छियालीस हजार पैंतीस वर्ग किलोमीटर है कितना परसेंट है छियासी प्रतिशत जीरो सात नोट कर लेना एक क्वेश्चन और बन गया कि उत्तराखंड के अंदर तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र कितना कितने प्रतिशत है हंड्रेड नहीं है नब्बे नहीं है छियासी प्रतिशत छियासी दशमलव जीरो सात है ठीक है तो मेरे भाई ये जो चीजें हैं ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है देखो फिर क्या कह रहा है राज्य का कुल क्षेत्रफल का मैदानी जो प्लेन एरिया देखो ये जो जो मैदानी क्षेत्र कौन सा होगा तुम्हारा अगर आप देखोगे रुद्रपुर के पास जिसको उधम सिंह नगर बोलते हैं थोड़ा सा हरिद्वार का इलाका थोड़ा ठीक है ये जो इलाके हैं जब इन इलाकों की बात करोगे तब पता चलेगा आपको इन इलाकों से पता चलेगा कि मेरे भाई ये उत्तराखंड के राज्य के ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पे भैया समझ में आ रहा है फटाफट शेयर सेशन को यहाँ पे ठीक है कितना भाई तेरह दशमलव जो मैदानी इलाका थोड़ा हरिद्वार रुड़की का इलाका है, थोड़ा उदमसिरी का इलाका है ये जो इलाका है आपका यहां पर कैसा इलाका है ये, ये आपका इलाका मैदानी क्षेत्र का इलाका है ठीक है चलो आगे बात करते हैं उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण, उत्तराखंड की सीमा कितनी विस्तार है तो मेरे भाई 320 किलोमीटर कितना है 320 किलोमीटर फैली हुई है यहां पर पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वो कितना है तुम्हारा तीन किलोमीटर क्या कहा था मैंने सब कुछ कराएंगे डीपली घुस घुस के कराएंगे यहां पर ठीक है ठीक है ध्यान तो सुनना मैंने मैंने क्या कहा 320 किलोमीटर और तीन किलोमीटर इसके अलावा राज्य की सीमा से लगे दो राज्य मैंने बताया था कि पश्चिम में पश्चिम में कौन सा है हिमाचल है ठीक है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में कौन सा है उत्तर प्रदेश है और राज्य से सीमा लगे दो देश हैं पूर्व में नेपाल ठीक है आप जानते हो नेपाल है यहां पर और इधर चाइना या तिब्बत की सीमा छूती है क्लियर वो यहां पर अगर क्लियर हो गया सभी को यहां पर फटाफट सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई ठीक है शेयर करोगे उतना बेनिफिट हम सबको होगा इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि सेशन को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इसको शेयर कर दो ठीक है चलिए चले आगे चलो मेरे भाई आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ठीक है एक सेकेंड रुकेगा ठीक है अभी कुछ हो होगी यहां पे थोड़ी यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे

माफी चाहेंगे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई जिस वजह से हम यहाँ आप पर आपसे जुड़ नहीं पाए थे ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं ठीक है तो देखिए ये मैंने आपको बताया राज्य के बारे में जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे ठीक है और यही चीज आपके किलोमीटर के अंदर आपका ठीक है ओके आगे चलते हैं चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे राज्य के बारे में जानकारी है अब बात करते हैं कुछ और चीजें कुछ और चीजों के बारे में आप लोगों से यहां पर चर्चा करते हैं राज्य का खेल क्या है राज्य की राज्य की खेल हम जानते हैं राष्ट्रीय खेल क्या हमारा हमारा हॉकी है वैसी राज्य का खेल क्या है वो है फुटबॉल है ठीक है वो क्या मेरे भाई फुटबॉल है हमारा राज्य खेल क्या हमारा फुटबॉल है इसके अलावा आधिकारिक गीत आधिकारिक गीत क्या है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शस्य बंधन किससे लिखा था हेमत विश द्वारा लिखित ये हमारा क्या है एक आधिकारिक गीत है एक ही उत्तराखंड सरकार ने अपने कुछ चीजें बना रखी हैं इसीलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है आगे स्टे बटरफ्लाई कॉमन जो मोर है उसको कहा गया दो हजार में घोषित किया गया था राज्य भाषा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा गया था राज्य की भाषा क्या है राज्य की भाषा मेरे भाई हिंदी है दूसरी क्या है संस्कृत है जो दो में की थी तो बटरफ्लाई मोर हो गया आपका जो बटरफ्लाई की पूरा खुल जाता है वैसे ही दूसरी भाषा हमारी क्या है संस्कृत है संस्कृत हमारी क्या है मेरे भाई दूसरी भाषा है जिसका बात कर रहे हैं और ये कब से लागू जनवरी 2010 से जनवरी 2010 से इस भाषा को यहां पर लागू किया गया था ठीक है ऑफिशियल सॉन्ग आपके सामने उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शश नमन बटरफ्लाई कॉमन पी और संस्कृत को जनवरी 2010 में इसको लागू किया आपका गया था क्लियर है यहाँ पे बहुत बढ़िया आगे चलते हैं आगे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं भैया चुनाव आने वाले हैं और जो चुनाव आने वाले होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कह रहा है उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों की सूची विधानसभा क्षेत्रों की सूची देखो भाई टोटल सीटें कितनी है सत्तर सत्तर सीटें हैं सामान्य सीटें चौरानवे एससी सीटें कितनी है मेरे भाई एससी सीटें हमारी कितनी है वो है चौदह ठीक है एस सीटें अनुसूचित जनजाति सीटें दो सीटें हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मतलब लिख के दे रहा हूं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेना क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है क्या कह रहा है मेरे भाई उत्तराखंड की टोटल विधानसभा सत्तर सीटें हैं चौरानवे जनरल हैं क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जनरल सीटें कितनी है विधानसभा के लिए चौरानवे है एससी सीटें कितनी है चौदह सीटें हैं एस कितनी है दो सीटें हैं एक है नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर में दूसरी चक्राता कहां पर है देहरादून में तो भैया यह है तुम्हारा एस टी सीट अनुसूचित जनजाति सीट जो है वो दो सीटें हैं चक्राता देहरादून नोट कर लेना मेरे भाई नोट कर लेना और और आपकी कौन सी नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर में इसको क्लियर कर लेना तो कि ये जो डेटा है ये विधानसभा जो छे उससे लिया गया है इसको नोट कर लेना जो तुम्हारा सीईओ उत्तराखंड ठीक है चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है उत्तराखंड वहां से डेटा लिया गया है तो डेटा कोई गलत नहीं है ठीक है चौदह एस सी दो एस टी तो टोटल सत्तर सीटें हैं हमारे पास सत्तर सीटें हमारे पास हैं इसको नोट कर लेना ठीक है क्लियर है यहां पे आगे देखो ये है उत्तराखंड के बारे में दो सीटें बता दी चौदह एससी सीटें हैं ठीक है थीके? ये देखो मैप है ये पूरा मैप है अगर आप देखोगे ना इसको समझोगे मैप के जरिए आपको समझ आएगा कि सीटें कौन कौन सी है, कौन सी है है ये आपको जानकारी दी जा रही है ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ उत्तराखंड ये पूरा कॉन्स्टिट्युए सत्तर विधानसभा हम सब जानते हैं सत्तर विधानसभाएं हैं उत्तराखंड की ठीक है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक नंबर पुरोला ये पूरे सत्तर विधानसभा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस जिले में विधानसभाएं है और सबसे कम किस जिले में विधानसभा है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ठीक है तो भैया उत्तराखंड आप सब जानते हैं राज्य तेरह जिले हैं तेरह जिले में कि किस राज्य किस जिले के पास कितनी विधानसभा हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है आपके सामने आपके सामने यह पूरा मैप दे रखा है अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा विधानसभा किस जिले में है किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा है सबसे ज्यादा विधानसभा जल्दी बताओ शेयर करो मेरे भाई फटाफट शेयर करो यहां पे किस जिले में है तभी मैं आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को ठीक है चलो जल्दी बताओ विधानसभा का चुनाव है चौदह फरवरी को वोट देने सबको जाना अपना मत अधिकार मत भूलना मत अधिकार देता है हमारा संविधान इसको मत भूलना क्योंकि मत से ही सरकार बनती है बिगड़ती है तो वोट देना सबको जाना है चलिए यहां पर आंसर आ गया एक का हरिद्वार आया एक का उधम सिंह नगर आया बाकी लोगों का देखते हैं क्या आंसर आया भैया फटाफट बताओ क्या होगा आंसर चलो मैं बताता हूं आपको ये रहा देखो अगर आप देखोगे अल्मोड़ा में नोट करते रहो अल्मोड़ा में कितनी सीटें हैं अल्मोड़ा में भैया छह अल्मोड़ा में कितनी सीटें हैं अल्मोड़ा में तुम्हारी छह सीटें हैं कितने हैं बागेश्वर में दो सीटें हैं चमोली में तुम्हारी तीन सीटें हैं चंपावत में तुम्हारी दो सीटें हैं ठीक है ठीके? ये तो रहा तुम्हारा इसका ठीक है तो भैया एक में छह आ रही है एक में दो आ रही है एक में तीन आ रही है एक में दो आ रही है समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे तो इसका मतलब अभी आप में हरिद्वार उधम सिंह नगर का उसकी बारी अभी तक नहीं आई है ठीक है आगे चलो आगे देखें अरे जल्दी बताओ ये देखे फटाफट बताएं आगे की कहानी अरे शेयर तो करो शेयर करो तभी तो मजा और आएगा जब आप जुड़ेंगे यहाँ पर चैनल के साथ ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो देहरादून जो राजधानी है भैया दस सीटें यहां पर हैं ठीक है हरिद्वार आपने कहा हरिद्वार में कितनी सीटें ग्यारह सीटें हैं और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नैनीताल में कितनी सीटे छह सीटें हैं नोट करते रहो हर जिले की विधानसभा नोट कर लो हो सकता है क्वेश्चन पूछे तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि पताओ इस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है ऐसे तो नैनीताल में कितनी है छह है देहरादून में दस है और हरिद्वार में ग्यारह सीटें हैं इसको नोट कर लेना मेरे भाई ठीक है आगे देखते हैं आगे देखें पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में कितनी सीटें तुम्हारी छह सीटें हैं पिथौरागढ़ में कितनी सीटें हैं चार सीटें हैं रुद्रप्रयाग में कितनी सीटें हैं दो सीटें हैं इसके अलावा तुम्हारा टेहरी में कितनी सीटें हैं टेहरी में तुम्हारी है यहां पर छह सीटें हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमने बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं इन सबके बारे में ये आप उधम सिंह नगर अभी किसने मुझसे कहा सर उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा सीटें नहीं उधम सिंह नगर में मेरे भाई कितनी सीटें हैं नौ सीटें हैं ठीक है उत्तर काशी में तुम्हारी कितनी सीटें हैं यहां पर एक सेकंड रुकेगा उत्तर काशी में तुम्हारी तीन सीटें हैं ठीक है तो ये तुम्हारा है नौ सीटें इसका मतलब सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य किस जिले में है वो है हरिद्वार नोट कर लो मैक्सिमम मैक्सिमम लोक लो, विधानसभा सीट लोकेटेड एट कहां मिलेगा तुमको वो कहां पर है मेरे भाई वो है तुम्हारा वो है तुम्हारा कहां पर है हरिद्वार में तो हरिद्वार में 11 सीटें हैं ठीक है हरिद्वार में कितनी सीटें मेरे भाई 11 सीटें हैं हरिद्वार के अंदर तो उसको नोट कर लो फटाफट फड़। ठीक है शेयर करते रहो सब साथ शेयर करते रहो देखो यही चीजें हैं ना ये आपको कहीं नहीं मिलेगी मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम्पल चैनल में आपको वो चीजें पढ़ाएगा जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है आपसे मैं ये नहीं पढ़ाऊँ की सीटें नाम बात करो नहीं सीटें कहा किस जिले में कितनी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना रखा होगा आपका चुनाव से रिलेटेड और चुनाव इंपॉर्टेंट होता है हर पांच साल में आपको अधिकार मिलता है मत अधिकार मिलता है सरकार चुनने का ठीक है ठीक है चलो मेरे भाई आगे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है तहसील फिर कह रहा हूं नहीं मिलेगा कहीं सिर्फ यही मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तहसीलें कितनी है मेरे भाई 110 110 तहसीलें हैं 110 तहसीलें हैं तुम्हारी 110 तहसीलें हैं इसके अलावा बात करते हैं जनगणना जनगणना के जो हमारे सेंसस टाउन है इकतालीस है नगर निगम ये अभी एक बड़ा मालूम है में पहले ये आठ थे लेकिन 31 दिसंबर 2021 को एक नया एक नया नगर निगम बनाए क्या मुझे बताओगे कि नया नगर निगम का नाम क्या है जल्दी बताओ फटाफट फ़ड़। देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी काशीपुर रुद्रपुर रुड़की ऋषिकेश कोटद्वार श्रीनगर ये नौ नए ये नौ नगर निगम है लेकिन 31 दिसंबर 2021 को एक नया नगर निगम का उद्घाटन किया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि नया नगर निगम कौन सा है जल्दी बताओ फटाफट अरे भैया बताओ फटाफट कौन सा है जल्दी 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 फटाफट! ठीक है मेरे भाई कौन सा है श्रीनगर श्रीनगर है तुम्हारा नया नगर निगम चलो आगे देखते हैं नगर परिषद इकतालीस नगर पंचायत इकतालीस जिला पंचायत तेरह ब्लॉक कितने पिचानवे कम है नोट कर ले पिचानवे ब्लॉक हैं हैं क्षेत्र पंचायत बोलते कितने है पिछानवे पिचानवे तो मेरे भाई ये नोट कर लो पहले तुमने आठ पढ़े होंगे लेकिन अब कितने हो गए हैं ठीक है अब कितने नगर पंचायत हो गए तुम्हारे अब हो गए हैं तुम्हारे यहां पर नौ देखो भैया दो पीएम पर डेली क्लास तुम्हारी होगी बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन चीजें हर तरीके डेटा अप टू डेट डेटा दिया जाएगा आपको ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो नौ है नगर निगम इकतालीस नगर परिषद जिला पंचायत तेरह पचानवे ब्लॉक तहसील कैसा लग रहा है क्लास पढ़ के ठीक है समझ में आ रहा है सभी लोगों को भैया शेयर करते जा रहे हो सब लोग शेयर करते रहो सभी लोग यहां पर ठीक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं चलो आगे चलते हैं देखो आगे चलते अच्छा मैं सो, एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे पहले एक चीज रह गया बताना वो रह गया आप लोगों के लिए कि भैया लोकसभा कितनी है लोकसभा हमारे कितनी है पांच लोकसभा है और तीन हमारे सामने क्या है राज्यसभा है ठीक है अनुसूचित जाति आरक्षित के लिए एक लोकसभा है वो कौन सा है अल्मोड़ा जानते हैं ना पांच हमारे में लोकसभा है पता होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा हमारे कितनी है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पांच हमारी क्या है लोकसभा है तीन राज्यसभा है राज्यसभा मेंबर कौन कौन से हैं अनिल बन अनिल बालूनी नरेश बंसल और प्रदीप टमटा ठीक है ये हमारे यहां पर हैं इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे अल्मोड़ा जो सीट है वो अनुसूचित अनुसूचित जिसके एमपी कौन अजय गढ़वाल के रावत नैनीताल से अजय भट्ट हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और टेरी गढ़वाल से म, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी साहा ठीक है तो ये जो है आपके ठीक है अभी एनपी अभी स्टार्ट नहीं हुआ पेड़ का जैसे पेड़ होगा तभी हम आपको बता देंगे लेकिन अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल यूट्यूब पर चलेंगे कहा से देखो आपको काम करना है शेयर करना है ये आपको बस एक आपसे चाहूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कहीं नहीं मिलेगा लिख लेना कहीं नहीं मिलेगा कोई तुम्हें विस्तार से नहीं पढ़ाएगा सिर्फ हवा पढ़ा देंगे लेकिन यहां हम आराम आराम से आप लोगों को यहां पर पढ़ाएंगे यहां पे ठीक है चलो आगे चलते हैं चले आगे चलो तो ये तो था तुम्हारा जिसके बारे बात कर चुके हैं इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है जैसे देख सकते हो आप ठीक है ये हम आपको कराएंगे ठीक है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको ये पढ़ाएंगे आप कुछ चीजों के बारे में कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है इन सब के बारे में एक क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन देता है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एमसीक्यू आपके सामने ला दिए हैं जी हाँ मोनिका जी फ्री में चलेंगी ठीक है फ्री में चलेंगी यहाँ पे चलो हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड देखो हम क्या करेंगे हमारी क्या होगा कि पहले आप लोगों को माफ कीजिएगा पहले आप लोगों क्या पहले आप को क्या कराएंगे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ठीक है कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद क्वेश्चन आएंगे देखो इससे क्या होगा कि आपके अंदर बूस्टर आएगा कि हाँ सर ने अब बताया अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको एक मजेदार सेशन मिलेगा समझने के लिए ठीक है तो चलो भाई फटाफट बताओ हु द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जल्दी बताओ हु द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड चलिए यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं लोगों के ए ए, ए कर रहे हैं चलिए तो भैया ए कर रहे हो बिल्कुल सही कहा नित्यानंद स्वामी बिल्कुल सही कहा सही आंसर क्या है नित्यानंद स्वामी इसका सही आंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो नित्यानंद स्वामी है इसका सही आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पे आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे आपके आप लोगों के सामने देखते हैं इसका आंसर क्या बताते हो वेन वॉज उत्तराखंड फॉर्म उत्तराखंड का गठन कब हुआ डेट आपके सामने बता चुका हूं पढ़ा चुका हूं ठीक है बहुत बढ़िया नौ नवंबर दो नवंबर 2009 नवंबर 2001 या एक नवंबर 2001 जल्दी चलिए बताओ फटाफट कंफ्यूज करने के लिए में डेटें ताकि आप कंफ्यूज हो लेकिन आंसर सही दो इसीलिए मैंने साल महीना कुछ गर, कुछ ऊपर किए आपके सामने ठीक है चलिए बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो मेरे भाई चलो चलो बहुत बढ़िया ओके बिल्कुल सही कहा आपने इसका सही आंसर क्या है 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया था आपका ठीक है बाकी मैं बता चुका हूं कि लोकसभा राज्यसभा विधान राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन कब को किया गया था वो मैं आपको मैं बता चुका हूं अगला चलते हैं अगला चीज है नेक्स्ट देखते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विस्त डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड धोली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड धौली गंगा विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में है चमोली पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग या फिर आपका टहरी जल्दी से बताओ बताओ चलो साइड में जाता हूं अब बताओ फटाफट -फड़ क्या होगा इसका सही आंसर टाइम नहीं है मेरे भाई टाइम नहीं है जल्दी बताओ कल फिर मिलेंगे दो बजे कल फिर मिलेंगे दो बजे टाइम नोट कर लो दो बजे तुम लोगों के लिए तुम्हें अटेंड करना है क्लास को अगर सिलेक्शन पाना है तो यहां आना है सीधी बात सिलेक्शन पाना है तो यहां आना है और यहीं से ही सब कुछ मिलेगा तुम्हारी जर्नी जोगी क्योंकि आज जो क्लास है वो स्टार्टिंग क्लास है देखो कोई चीज आपको हवा में सब पढ़ा दू पहले हिस्ट्री पढ़ा दू नहीं पहले राज्य को जानो राज्य क्या है तभी तो पहचानोगे इतिहास में हम जाएंगे सब में आएंगे जोग्राफी इतिहास प्रमुख व्यक्ति सबके बारे में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना है राज्य की जानकारी को इकट्ठा करना है वही हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई इसका सही आंसर क्या धौली गंगा लेट्रिक प्रोजेक्ट कहां पाया फटाफट बताओ भैया इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ अगला क्वेश्चन है, है, सही आंसर कौन बताता है उत्तराखंड के किन जिलों में सबसे कम सबसे कम आबादी है ये सबसे बड़ी नहीं है सबसे कम है ठीक है लोएस्ट पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग चमोली गढ़वाल या हरिद्वार चलिए बताओ उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम आबादी है अभी पढ़ेंगे तो और डिटेल आपको मिल जाएगा तो बताओ उसका सही आंसर क्या किन जिलों में सबसे कम आबादी है बिल्कुल सही कहा यहां पर आंसर आ रहे हैं आप के ओके चलो मेरे भाई इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में सबसे कम आबादी सुन रुद्रप्रयाग जो है सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है आपका रुद्रप्रयाग ठीक है थीके? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा आबादी वाला मतलब जिला है तो भैया अब लोएस्ट पे थे अब आगे लार्जेस्ट पे तो सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है जल्दी बताओ फटाफट फड़। सब लोग बताओ सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है जल्दी जल्दी शेयर करो मेरे भाई शेयर करो यहां पर सेशन को यहां पर तो मेरे भाई रुद्रप्रयाग चमोली पौड़ी गढ़वाल या हरिद्वार जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर इसका बिल्कुल सही कहा हरिद्वार बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर डी कहा सबके लिए बताई यहां पर आंसर है इसका डी चलो नेक्स्ट चलते नेक्स्ट देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमायू रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है कुमायू रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है अल्मोड़ा रानीखेत, खेत हल्दौनी या बागेश्वर जल्दी बताओ भैया कुमायू रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी बताओ फटाफट कुमायू रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी बताओ ठीक है जल्दी से चलिए यहां पर लोगों का आंसर आ रहा है यहां पे बिल्कुल बहुत बढ़िया सही आंसर क्या है रानी खेत रानी खेत में इसका हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी यहां पर रेजिमेंट में आता है जो 1813 में यह रेजिमेंट बनाया गया था ठीक है तो इसका आंसर सही आंसर क्या है रानी खेत अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गढ़वाल राइफल का जो हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है <thudas> देहरादून रोड की या यह चक्राता जल्दी बताओ फटाफट जल्दी बताओ फटाफट यहां पे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट यहां पे कौन है गढ़वाल राइफल का गढ़वाल राइफल का यहां पर हेडक्वार्टर कहां पर है देहरादून की लेंस डाउन या चक्राता okay. hmm. जी हाँ लेंस डाउन okay. जी हाँ सही आंसर क्या है लेंस डाउन 1887 में इसको यहां पर मुख्यालय बनाया गया था ठीक है चलो क्लियर है यहां पे सभी लोगों को ठीक है नहीं भाई लेंस डाउन है लेंस डाउन है इसका सही आंसर नोट कर लेना इसको गलत की गलती मत करना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसीलिए ठीक है तो नोट कर लेना आंसर इसका क्या है यहां पर लेंस डाउन है यहां पे ठीक है चलिए तो भाई ये देखो ये आपके लो, आप लोगों के सामने है आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं कल फिर जुड़ना दो बजे इंपॉर्टेंट जानकारी है उत्तराखंड के राज्य फिर स्टार्ट करेंगे जो चीजें रह गई हैं उन सब पर चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे साथ साथ तो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों चलेंगे आप लोगों के लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर